एक दिन विवेकानंद जी अपने आश्रम में बैठकर ध्यान कर रहे थे कि तभी एक लड़का स्वामी जी के पास आया और बोला, स्वामी जी मैं बड़ी दुविधा में हूँ, कृपया आप मेरी समस्या का समाधान करें। मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है, मैं जो पढ़ता हूँ मेरे समझ में कुछ नहीं आता है। विवेकानंद जी बोले, तुम घर में कितने घंटे पढ़ते हो? लड़का बोला, 2 घंटे। स्वामी जी बोले, 2 घंटे पढ़ने के बाद तुम क्या करते हो? लड़का बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ। स्वामी जी बोले, जब तुम पढ़ने बैठते हो तो पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ा करो, और जब तुम पढ़ने बैठते हो तो एक बात का ध्यान रखो कि जो तुम पढ़ रहे हो उसी के बारे में सोचो। ऐसा करने से तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा और तुमने जो पढ़ा है वह तुम्हें याद रहेगा। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। अंततः इंसान को सब कुछ खुद ही सीखना पड़ता है। अपनी लगन और मेहनत से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, इसीलिए पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहो, तुम्हें सफलता अपने आप मिल जाएगी। लड़का स्वामी जी की बात समझ चुका था, उसने स्वामी जी का धन्यवाद किया और वहां से चला गया।